विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधन संघ का धरना शनिवार को समाप्त हो गया। बताते चले कि अध्यक्ष वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधन संघ जय प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 44 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर जनपद के सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्य बैठे थे। इस अवसर पर भारी संख्या में जनपद के सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष वित्त विहीन प्रबंधक संघ जय प्रकाश मिश्रा ने कहा, बाहर चल रहे हैं, अलग ही तरीका होता। काश हमारे हमारे जय प्रकाश मिश्र जी ने जो निर्देश दिया, विद्यालय प्रबंधक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, वित्त विहीन प्रबंधक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई जिंदाबाद। प्रबंधक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जिन प्रबंधक साथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें से कितने परसेंट यहाँ पर हैं और कितने परसेंट अपने घरों पर बैठे हैं, इसके बारे में आप लोग। लेकिन राज निर्माण जैसे काम में आने वाले भविष्य की हम तैयारी करते हैं, भविष्य के लिए हम तैयार। पीड़ा को एक छोटे से शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोग अगर अच्छा लगे तो इससे प्रेरणा लेकर के अपने संगठन को मजबूत कीजिए। हम एक होते तो सब कुछ उथल पुथल होता, हम एक होते तो सब कुछ उथल पुथल होता, जो अपने मुख से निकलता वही अटल होता। हमारे अपने ही मोहरे बिखर गए, वरना जो बन के बैठा है अकबर वो बीरबल होता। आज 44वां दिन आपका धरना था, आप लोग धरना खत्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज हम लोग धरना खत्म कर रहे हैं। कारण ये है कि कल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से एक फोन आया था कि आप लोगों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल यानी आज 10 बजे हमारे यहाँ आकर के मिल रहे। लोग गए थे और वहाँ पे बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान हम लोगों को इनडायरेक्ट में विद्यालय संचालित करके मानक पूरा करके मान्यता लेने के लिए संकेत मिला है, इसलिए हम लोग आज का धरना खत्म कर रहे हैं। तो आज स्थापना दिवस भी है क्या? आज हमारे संघ का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पे एक बहुत शुभ सूचना हम लोगों की मिली, यह बड़ा सुंदर संयोग है हम लोगों के लिए।